सभी गुड इवनिंग है और स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सेटअप में। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडल स्टिक पैटर्न में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैमर, इन्वर्टेड हैमर के बारे में। ठीक है कि मार्केट में जब हैमर बनता है तब क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है तो क्या होता है। हम लोग आज इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न से। तो सबसे पहले हम लोग कैंडल को समझने का प्रयास करते हैं। कैंडल दो तरह के होते हैं, एक बुलिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडल ग्रीन होता है और बेरिश कैंडल रेड होता है। किसी एक कैंडल में एक अपर साइड होता है, एक लोअर साइड होता है। ठीक है, मार्केट जहाँ पे ओपन होता है वहाँ तक बॉडी होती है मार्केट की, और जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ तक की बॉडी होती है। यानी एक बॉडी है कैंडल का, एक बॉडी है। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा होगा शैडो, इसे अपर शैडो बोलते हैं, और नीचे जो दिखाई दे रहा है इसे लोअर शैडो बोलते हैं। ठीक है, मार्केट जहाँ तक लो लगाया है जहाँ तक ये शैडो बनता है, और जहाँ तक अपना हाई लगाया वहाँ तक भी शैडो बनता है। तो लो और हाई यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसी तरह से बेरिश कैंडल होता है। ठीक है, इसी तरह से बेरिश कैंडल होता है। बेरिश कैंडल में भी अपर साइड होता है, लोअर साइड होता है। ठीक है, लो होता है और ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, कोई कैंडल मान के चलिए कि ओपन यहाँ पे हुआ और प्राइस ऊपर तक गया तो एक वीक बना देगा, एक वीक बना देगा, यानी अपर साइड बना देगा, और फिर नीचे आया, यहाँ तक नीचे गया, नीचे गया, नीचे यहाँ तक गया, फिर से ऊपर आकर के यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल में भी प्राइस ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है, ये चार प्राइस आपको दिखाई देगा। इसी तरह से हम लोग चलते हैं, अब समझने का प्रयास करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को। तो कैंडल स्टिक पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, एक मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग किसी एक कैंडल को समझने का प्रयास करते हैं कि एक कैंडल बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में शूटिंग स्टार होता है, हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, डोजी होता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडल है जिसको हम लोग समझेंगे आगे करके, एक एक करके हम लोग समझेंगे। मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न में होता है बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये सारे पैटर्न बनते हैं, एक पैटर्न बनते हैं, इसमें डबल कई प्रकार के कैंडल को मिला करके, दो कैंडल को मिला करके या तीन कैंडल को मिला करके, एक यानी एक से अधिक कैंडल को मिला करके इसे हम लोग रिवर्सल पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं हैमर के बारे में कि हैमर क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं हैमर क्या होता है। ये हैमर है, ठीक है। हैमर कैंडल में बॉडी बिल्कुल छोटी होती है, लोअर शैडो बहुत लंबा होता है। ठीक है, लोअर शैडो बिल्कुल लंबा होता है। ठीक है, अपर शैडो होता ही नहीं है या बहुत ही कम होता है, बिल्कुल नहीं होता है या तो होता है, बहुत छोटा होता है। ये कैंडल लाल या और हरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि चार्ट में हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है, जैसे चार्ट चल रहा है इस तरह से, चार्ट चल रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट में हैमर बनता है तो 90% चांस होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने। और यदि मार्केट अप ट्रेंड में है और उस समय यदि एक हैमर बनता है तो 90% चांस होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसे हम लोग इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे बॉडी दिखाई दे रहा है, बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लोअर साइड बहुत लंबा दिखाई दे रहा है, अपर साइड दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये है हैमर की पहचान, बॉडी बिल्कुल छोटी होगी और लोअर साइड बिल्कुल लंबा होगा, तो ये हैमर की पहचान हो जाएगी, ये हैमर है। ठीक है, इसे पहचानने का मैं तरीका भी बताऊंगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है, मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बेरिश कैंडल बनता जा रहा है, बेरिश कैंडल बनता जा रहा है, मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो एक हैमर बना है। ये हैमर बनने के बाद 90% चांस होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, और ये देखिए अप ट्रेंड में गया मार्केट, उसके बाद अप ट्रेंड में गया। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे देखिए हैमर एक बना है, यह एक हैमर है, यहाँ पे एक हैमर बना है और मार्केट क्या हुआ है, अप ट्रेंड में हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो बॉडी बिल्कुल छोटी होगी और इस तरह से हैमर मतलब होता है थोड़ा। चलिए हम लोग आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए हैमर बना है, यहाँ पे भी एक हैमर बना है और मार्केट फिर अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे भी एक हैमर बना है और मार्केट अप ट्रेंड में गया। ठीक है, तो ये हैमर की पहचान है, आप लोग को हैमर समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इस कैंडल में बॉडी काफी छोटी होती है और अपर शैडो ऊपर का शैडो बिल्कुल लंबा होता है, बॉडी बिल्कुल छोटा है और अपर शैडो बिल्कुल लंबा है, और नीचे की शैडो बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक है, नीचे की शैडो होती ही नहीं है, और कलर मैटर नहीं करता है, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या किसी भी रंग का हो सकता है। अगर ऐसा कैंडल बीच में चलता है, मार्केट अगर बीच में बनता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ज्यादा महत्व नहीं होता। जैसे मार्केट अगर चल रहा है तो बीच में, जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बीच में अगर बनता है तो कोई ज्यादा महत्व नहीं है इस कैंडल का, कलर मैटर नहीं करता है। इन्वर्टेड हैमर चाहे
रेड भी बन सकता है या ग्रीन भी बन सकता है, लेकिन लेकिन अगर इन्वर्टेड हैमर का कलर अगर हरा हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी। ये देखिए बीच में इन्वर्टेड हैमर बना, ये नीचे बनाया इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनाया, मार्केट क्या हुआ है, अब ट्रेंड में चला गया है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हैमर को आपको पहचानना है, हैमर थोड़ा देखिए किस तरह से बन रहा है। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, बिल्कुल नीचे बनता है, जैसे यहाँ पे बीच में बनता, तो ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस पर, ठीक है। अगर नीचे बिल्कुल बिल्कुल नीचे आ गया है, बिल्कुल लो लगा चुका है, यहाँ पे अगर हैमर बनता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये 90% रिवर्सल का चांस होता है। उम्मीद करते हैं आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर समझ में आ गया होगा। और इसको पहचानने का तरीका है कि आपको यहाँ पे देखना है कि हैमर में बॉडी बिल्कुल छोटी होनी चाहिए और इन्वर्टेड हैमर में भी बॉडी बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। हैमर में लोअर शेडो लंबा होगा और इन्वर्टेड हैमर में अपर शेडो लंबा होता है, ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर आपको समझ में आ गया होगा, इसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं इसी तरह से सभी कैंडल को, स्टिक पैटर्न को एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा।